मतलब थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताइए, और आज जो मोशन पोस्टर लॉन्च हुआ है बहुत ही धमाकेदार है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए जैसे कि अभी टेररिज्म से जुड़ा हुआ पूरा मुद्दा है फिल्म के अंदर, और सनातन और टेररिज्म के बीच का ही क्लैश है। और क्योंकि अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर आर्मी पुलिस सब हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रहे हैं कि टेररिज्म के अगेंस्ट सनातन को हम लोग लेके जा रहे हैं। और सनातन अगेंस्ट टेररिज्म मीन्स कि सनातन हमेशा से ही भगवान की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति में इन्वॉल्व रहा है। आप कभी भी देख लीजिए 1770 आप देख सकते हो, उसके बाद में हमेशा हमेशा जब जब जरूरत पड़ी है सनातन तब तब देश के लिए लड़ा है। तो वी आर गोइंग विद। ओके, और क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी इसके ऊपर, क्योंकि ऐसे अभी रिसेंट हाल में करंटली बहुत सारे किस्से हुए हैं टेररिज्म को लेके, क्या रिसर्च करनी पड़ी एज अ डायरेक्टर? देखिए मैंने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में कि सनातन के बारे में, तो मैंने खैर बहुत पढ़ाई अंदर तक। महाकाल, क्योंकि फिल्म का टाइटल है महाकाल नगरी, तो महाकाल नगरी के बारे में जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व का एक वो ऐसा मंच है, ऐसा शहर है जहाँ से कह सकते हैं कि धर्म ऑपरेट होता है, जहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। क्योंकि एंसेंट जो है रिलीजन से हम लोग बिलोंग करते हैं हिंदुज़म से, और हिंदुज़म दुनिया का सबसे जो है एंसेंट है। उसके साथ साथ अगर हम सनातन की बात करें तो सनातन लाखों साल पुराना और उससे जुड़ी हुई लाखों साल हजारों साल जुड़ा हुआ जो है शहर उज्जैन नगरी, जिसको हम महाकाल नगरी के नाम से जानते हैं। तो उनके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया, और भी बहुत सारा रिसर्च किया कि किस तरीके से कब कब सनातन जो है बुराई के अगेंस्ट, आतंकवाद के अगेंस्ट, अपराधियों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, देश के दुश्मनों के अगेंस्ट कब कब खड़ा हुआ, वो सब मैंने जो है डीपली जो है उसके बारे में पढ़ा भी, देखा भी, गूगल से लेकर सब जगह रिसर्च किया। देन मैंने डिसाइड किया हम लोग महाकाल नगरी बनाएंगे और सनातन को हम लोग अगेंस्ट लेके जाएंगे टेररिज्म। अखिलेंद्र सर, आपसे जानना चाहूंगा किरदार के बारे में, बताइए अभी तो सिर्फ पोस्टर देखे हैं आपने, आप कौन से किरदार में नजर आते हैं, उस बारे में कुछ बताइए। मेरे लिए तो बड़ा विशेष है कि चूंकि मैं महाकाल का अपने निजी जीवन में भक्त हूँ, मैं इतना आस्तिक हूँ कि मेरी हर बात में बीच में महाकाल आ ही जाते हैं, भोलेनाथ आ ही जाते हैं। और ये फिल्म महाकाल को लेकर बन रही है, इसका शीर्षक ही है महाकाल नगरी। तो संजीव ने जब मुझे बताया कि इस तरह की फिल्म बनाई जा रही है, और जहाँ एक तरफ हाथ में शस्त्र है तो दूसरी तरफ शास्त्र भी है, और यही सनातन कहता है कि समाज की सुरक्षा के लिए जम्बोद्वीप, भरतखंड, भारतवर्ष, आर्यावर्त की रक्षा के लिए हमेशा से सनातन के साधु संतों ने एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र लेकर लड़ा है और समाज का कल्याण किया है, चाहे वो असुर हो, राक्षस हो या दानव हो, चाहे आज के आतंक हो या आतंकवादी हो, उन सब का सर्वनाश किया है। तो उसी पर कुछ फिल्म की कहानी है जो संजीव अपनी कहानी में उसको रेखांकित करना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत फिल्म बन के आएगी और हम सब अच्छा काम करेंगे। मुझे लगता है ये डेस्टिनी है कि ऐसी फिल्म्स मेरे पास ही आती है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपने धर्म के ऊपर मूवी कर सकता हूँ। तो अगर जैसे पंडित का बेटा हूँ पर लाठी चलाना जानता हूँ, पूजा पाठ करना आता है, पर अगर अपने इस देश पे आई, अपने लोगों पे आई, तो मैं लाठी भी उठा सकता हूँ। तो मेरा कैरेक्टर है शिवा, जो संजीव भाई ने बहुत सुंदरता से लिखा है। उसकी पूरी जर्नी है, वो कहाँ से स्टार्ट करता है और वो कहाँ तक पहुँचता है अपने लोगों के साथ, अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके ऊपर पूरी स्टोरी है। ज़्यादा रिवील करूँगा तो मेरे को मार पड़ जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट हाँ, इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, और मुझे लगता है कि अब दिस इज़ द राइट टाइम कि हमें ऐसी स्टोरीज लेके आना चाहिए। हमारे यूथ को पता होना चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म कितना सुंदर है, हमारे पास कितनी वास्ट चीजें हैं, कितनी वास्ट नॉलेज है, और हम कितने पावरफुल है। एंड दिस इज द राइट टाइम टू कम अप विद सच स्टोरीज, और मेरे को लगता है कि संजीव भाई के अंदर बहुत हिम्मत है ऐसी स्टोरी लोगों के सामने लाने के। और जैसे मैंने कहा कि सेकंड स्टोरी है इस तरह की आप कर रहे हैं, जी जी जी, तो क्या क्या थॉट प्रोसेस था जब आपको अप्रोच किया सर? मैं उस कैरेक्टर से, ये कैरेक्टर एकदम ही डिफरेंट है, उसमें मैं समीर सिद्दीकी का जो एकदम ऑपोजिट है, पर एंड में जाके वो कैसे अपने फ्रेंड के साथ जुड़ के, अब तो मूवी रिलीज हो चुकी है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसके बारे में बताने के लिए। तो आखिरी में जैसे एक हिंदुत्व का मैसेज है वासुदेव कुटुंबकम, जहाँ हम यूनिटी की बात करते हैं, तो इस मूवी में भी हम अपने हिंदू धर्म की यूनिटी की बात कर रहे हैं कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो हम कितने पावरफुल हैं। अगर हम स्कैटर्ड रहेंगे, अलग अलग दिशाओं में भटके रहेंगे, तो हम कभी भी वो जोश और वो जो एक एकत्रता है हमारे अंदर, वो नहीं ला पाएंगे। Yes.
मैं एक्चुअली मूवी को लेके तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक हीरोइन का काम क्या होता है? हीरो को सपोर्ट करना. सो मैं इस पूरी मूवी में हीरो को सपोर्ट कर रही हूँ. बट संजीव सर ने जब सबसे पहले मुझे ये स्टोरी बताई, उसके पहले मुझे ये जो टाइटल है महाकाल नगरी, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ उस टाइटल से. उसके बाद जो स्टोरी सर ने बताया, मैं सॉरी थोड़ा सा मेरी आवाज़ आप समझ रहे हैं कि गला थोड़ा सा बैठा हुआ है. सो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ स्टोरी में कैरेक्टर को लेके. सो थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी मूवी और इतनी अच्छी टीम देने के लिए सर, और मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए. सो थैंक यू सो मच, और आप सभी को हाँ थैंक यू यहाँ पर आने के लिए. सर आप क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में? कहानी जैसे संजीव सर ने बताया, कहानी और किरदार के बारे में ज़्यादा बात करने का तो मुझे अधिकार नहीं है. लेकिन मुझे अब तक जो मैंने कैरेक्टर किए, जैसे कि आपने मिर्ज़ापुर में देखा होगा मकबूल, अभी पठान में देखा रज़ा है कैरेक्टर, उससे हटके मुझे कैरेक्टर मिला बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था है. MLA का कैरेक्टर मेरा फिल्म में जो संजीव सर ने मुझे बताया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. अभी तो फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई तो ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे. कोशिश करेंगे कि अपने किरदार को अच्छे से निभाएं और जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया उसके साथ जस्टिस करें. और इससे ज़्यादा शूटिंग का होगी सर, शूटिंग का इसका हम लोग चित्रकूट में करने वाले हैं, और बहुत रियल लोकेशन है, रियलिज्म कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है उससे, और बहुत प्यारी लोकेशन है. टेंपल्स हैं वहाँ, एंशिएंट टेंपल्स हैं, तो वो हम लोग दिखाने वाले हैं महाकाल टेंपल वहाँ. उसके बारे में हमने रिसर्च बहुत अच्छी करी, संजीव भाई ने मुझे लोकेशंस दिखाई है. लोकेशंस देख के तो आप लोग दिल गदगद हो जाएगा आपका. तो रियलिज्म बहुत रियल लोकेशन. सर मेरा सवाल आपसे सर, आपने कहा साधु संतों ने शस्त्र लिए और अस्त्र भी लिए हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जिस तरह से ये मूवी बता रही है, जो मैंने मोशन पोस्टर देखा, जो ये देख रहा हूँ, तो ये किस ओर लेके जा रही है सनातन को? ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है, संविधान बनाया है, तो वो कहाँ गया सर? अगर शस्त्र उठा लेंगे तो, अगर अभी ही सब कुछ बता देंगे तो फिल्म बनने के बाद क्या बताएंगे? फिल्म बनने दीजिए, उसके बाद के लिए ये प्रश्न रखिए तो बेहतर होगा, बेहतर उत्तर मिलेगा आपको. डायरेक्टर साहब आपसे मेरा सवाल है, जैसे मैं पोस्टर देख रहा हूँ, पीछे मैंने देखा है कि वार किया गया है, क्या इसमें ये दिखाने की कोशिश हो रहा है कि सनातन आपस में भिड़ गए और अपने ही अपने पे जो है वार करते हैं? देखिए ऐसा है ना, अपना आप कैसे बोल सकते, मैंने बार बार यही कहता आया हूँ कि टेररिज्म मतलब कह सकते हैं अपराधी इस टाइप के प्रवृत्ति के लोग अपने हो ही नहीं सकते, वो अपने एकदम खून के नहीं हो सकते, तो हमारे कहाँ से हो सकते हैं, वो किसी धर्म के कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मतलब ही नहीं होता है उसका जॉइंट करने का. अगर मेरे घर के अंदर अगर हम चार भाई हैं, चार भाई में से मैं बैंक मैनेजर बन जाता हूँ, मेरा भाई छोटा वो आर्मी में चला जाता है, दूसरा कोई और जॉब करता है, और चौथा जो भाई है मेरा वो जस्ट सपोज किसी का मर्डर कर देता है, तो क्या लगता है आपको? आई विल आस्क हिम, ही इज़ माई ब्रदर, आई विल नॉट, बिकॉज वो अपराधी है, वो गलत है, और गलत कभी किसी के अच्छाई के साथ हो ही नहीं सकता. वो रिश्ता वही टूट जाता है, वो रिलीजन वो धर्म सब खत्म हो जाता है, तो उसे रिलेट करने का चांस ही नहीं है कि वो उसको हम कनेक्ट कर पाएंगे कहीं से भी. सर डिजिटल जमाना है, पब्लिसिटी का जमाना है, हर कोई हिट होना चाहता है, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, तो कोई मंदिर पे मस्जिद पे किसी धर्म पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक दूसरे धर्म पर कीचड़ उछालते हैं, निशाना पे फोटो बनवाते हैं, तो ये सब डिजिटल में दिखाया गया है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, धर्म से जुड़ा हुआ है ही नहीं. धर्म इसमें एक ही है बस, वो है सनातन. दूसरा अगर आप उसे धर्म कह सकते हो तो मैं तो बिल्कुल गलत कहूँगा कि उसे आप धर्म बोलिए ही मत, वो तो अपराध है, वो तो आतंकवाद है, और आतंकवाद अपराध का कोई धर्म होता ही नहीं. तो असल में एक ही धर्म है इसके अंदर, वो है सनातन, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, वो तो अधर्म है. सनातन अधर्म के जो है अगेंस्ट खड़ा है, और जो बुराई है, जो गलत है, वो गलत है. टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट, उससे हम रिलेट कर ही नहीं सकते. आप किसी भी धर्म से उसे जोड़िए मत, और जुड़ भी नहीं सकता. गलत को आप किसी धर्म से ज्वाइंट कर ही नहीं पाओगे किसी भी. पाकिस्तान में जो हो रहा है, अटैक हो रहा है मंदिरों पे, उस केस में भी कुछ उसकी झलकियां देख पाएंगे आप? बिल्कुल ऑफकोर्स, देखिए मंदिरों पर अटैक एक समुदाय के, दो समुदायों के बीच में अगर वो क्लैश होता है, उससे हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, वो आपसी मुद्दा हो सकता है. लेकिन अगर मंदिरों पे अटैक करने वाले अगर टेररिस्ट हैं,
मंदिरों पे अटक तो कहीं के मैंने ऐसा भी देखा कि हिंदू हिंदू आपस में भिड़ जाते हैं, मुस्लिम हिंदू आपस में भिड़ जाते हैं, कभी कभी जो है बाकी भी जो है कम्युनिटीज आपस में भिड़ती हैं, तो उनको रिलेट करना बेकार है, वो बेवजह है, उससे हम लोग ज्वाइंट कर ही नहीं रहे फिल्म को कहीं। रवि सर से मेरा एक सवाल होता है, अभी कुछ दिन पहले घटना हुई, सबको पता है कुछ लोगों ने गोलियां चलाई और गोली चलाने के बाद जय श्री राम का नारा गाया, मैं इसमें भी देख रहा हूँ गोली चल रही है सर, कितना कुछ सही है कि जय श्री राम गोली मारने का? इसमें देखिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, इसमें कुछ क्या बोल सकते हैं इससे उसका क्या, सिर्फ फिल्म को लेकर बात करें तो ज्यादा बेहतर है, सिर्फ फिल्म को लेकर बात करें, और फिल्म बनने के बाद बहुत सारी जवाब और भी आएंगी फिल्म देखने के बाद, और अभी फिल्म बनने से पहले और रिलीज होने से पहले उसके बारे में डिस्कस करना भी थोड़ा सा गलत है, बाकी ऐसी कोई चीज आपत्तिजनक कोई चीज है ही नहीं फिल्म में। अभी माहौल ऐसा है, आपको लगता है इसी टाइम पे आपने फिल्म की प्रमोशन फिल्म का अनाउंसमेंट की है, जो भी माहौल चल रहा है? सिनेमा एक यूनिवर्सल चीज है, माहौल देख के नहीं बनाई जाती, ये सांसारिक चीज है, वास्तविक चीज है, काल्पनिक चीज है, ये दृष्टिगत चीजें हैं, ये साहित्यिक चीजें हैं, ये मार्मिक चीजें हैं, भावनाओं का खेल है, और कथाओं का देश है भारतवर्ष। बचपन से काकी नानी दादी ईया फूआ ताई कहानियां सुना के गोद में पाल के बड़ी करती हैं, उस तरह की एक कहानी है ये, और उस सनातन की कहानी है, बस कमाल है अपने आप में। बाकी फिल्म देखने के बाद के लिए भी कुछ प्रश्न रखिए, फिल्म बनने दीजिए। महाकाल कालों के काल, महाकाल हम जो है वहां से शुरू होते हैं वहीं खत्म हो जाते हैं, वहां से हम लोग महाकाल ही तो सृष्टि हैं, महाकाल ही तो संसार के केंद्र बिंदु हैं, महाकाल ही तो जीवन है, महाकाल ही तो श्वास है, कोरोना में पूरे विश्व को पता चल गया और महाकाल क्या है, महाकाल से ही तो उज्जैन है, महाकाल से शुरू होता है। देखिए अब मैं इसका जवाब मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, अब देखिए वहाँ विकास दुबे था, ठीक है ना, अभी वो अपराधी है, हम खुल के बोलेंगे अपराध अपराध है ना यार, उसके क्या हिंदू मुस्लिम करना उसमें, अब वो अपराधी मारा, किसी ने कोई अगेंस्ट नहीं किया, तो उसमें जाना भी नहीं चाहिए यार, ये टॉपिक नहीं है हमारा फिल्म का टॉपिक, ये टॉपिक है नहीं हमारा फिल्म में, ये मुद्दा अलग है, अब आप क्या कर रहे हैं ना, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर को बुला बुला है, हम लोग सनातन को दिखा रहे हैं कि एक नया आर्मी अपराध के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, सनातन को मैं कहीं ना कहीं एक आर्मी के तौर पे दिखाना चाहता हूँ, जिस तरीके का माहौल पूरी दुनिया का बना हुआ है उस माहौल के अगेंस्ट, क्योंकि भारत अभी उभरता हुआ देश है और भारत को ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर भारत के पास होनी चाहिए, तो सनातन से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। सर इसके अलावा और एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि कैरेक्टर है जो मुस्लिम है, इतना हमने देखा है मुस्लिम कैरेक्टर है और उसी को टेररिस्ट दिखाया गया है, तो सर अगर कुछ मैंने कहा ना वो धर्म है ही नहीं ना, धर्म कैसे जोड़ सकते हैं, वो गलत इंसान है ग्रेनेड लेके खड़ा हुआ है, वो आतंकवाद है, वो धर्म है ही नहीं, वहाँ धर्म का कोई रिलेट करता ही नहीं है, धर्म कैसे कह सकते हो आप, सिर्फ पहनावे से धर्म कह सकते हो सकता है वो अंदर पहना हुआ बंदा हिंदू, अभी चार लोगों ने गोलियां चलाई श्रीराम के नारे लगाए, जरूरत नहीं है वो सनातन से जुड़े हुए हो सकता है वो किसी दूसरे मजहब से जुड़े हो, दूसरे लोगों से जुड़े हुए, दिस इज द थिंग, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कोई रिलेट करता ही नहीं वो धर्म। सर एक सवाल मेरा आपसे है, जी क्या इस फिल्म में लॉ जिहाद जो लेटेस्ट टेररिज्म का माध्यम है इसमें दिखाया जा रहा है? नहीं नहीं उससे रिलेटेड नहीं, हम लोगों को तो सीधा सनातन को दिखाएंगे, बेटर टू बेटर लव जिहाद या ऐसा कुछ मुद्दा ही नहीं है अपनी फिल्म से। एक कैप्सन कास्टिंग एजेंसी है, हाँ, जो जिन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए अप्रोच किया और संजीव जी से मिलाया है, और जब मुझे संजीव जी ने इसका कॉन्सेप्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट सुनाया है, इसका जो टाइटल है महाकाल, बहुत ही यूनिक बहुत पावरफुल, जो मुझे बताया है दिखाया है, इसका जो एक ट्रेलर जो इसका लुक है वो बहुत ही यूनिक है, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि संजीव जी का जो थॉट्स है, जो पिक्चर डिज़ाइन है, जो विज़न है इनका, तो वो टोटली संजय लीला वंशाली टाइप के फिल्म है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पसंद आए,
सो इसीलिए मैं मेरे मुंह से निकल गया कि वाओ, तो मैं जुड़ गई बस डेट्स इट। इसके बारे में और क्या करूँ। और नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करती है, जैसे मतलब जो भी कंट्रोवर्सी होती है उससे आपका नाम जुड़ जाता है कभी कभी, तो नेगेटिव ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें क्या नेगेटिव है। जो गलत है उसको गलत दिखाया गया है, जो सही है उसको सही दिखाया गया है, तो इसमें निगेटिव वाली कोई बातें है ही नहीं। ये तो लोगों को क्या क्या है, लोग कुछ लोग नेगेटिव कुछ लोग पॉजिटिव। मैं तो यही चाहूँगी कि पिक्चर देखने के बाद लोगों को पता चलेगा कि इसमें क्या दिखा रहे हैं, हम क्या मैसेज दे रहे हैं, तो वो पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यही चाहती हूँ कि सब लोग पिक्चर रिलीज़ के बाद सब लोग आके पिक्चर देखें, और ताकि उनको खुद को मालूम पड़े कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। जो गलत है उसको गलत ही दिखाना पड़ेगा, उसको सही नहीं दिखा सकते, तो वही बात है, बस यही कहूँगी मैं। ठीक है, एक साल पहले की बात है, संजीव भाई ने बताया था कि इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसके ऊपर मैं वो लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ने के बाद में ठीक है भैया इस पर काम कर लेते हैं अभी, तो इस प्रोडक्ट को चलते चलते एक साल हो ही लगभग हमें, और एक साल में कंप्लीट देखा कि अभी सही मौसम है, इसको भी पिक्चर बना लेते हैं इसके ऊपर। तो मैंने संजीव भाई से बात की कि मैंने भैया अभी मेरे पास टाइम है, अभी डिजाइन कर सकते हैं इस फिल्म को, तो बोले टाइम है तो भैया ठीक है, इसमें 3-4 महीने और टाइम लग जाएगा, कर लेते काम को। सो उसी हिसाब से हमने अपना डिजाइन किया, काम शुरू कर। देखिए सबसे पहले मैं संजीव सर को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे एजेंट कास्टिंग डायरेक्टर इन्होंने एक वर्क दिया, और ऐसा वर्क दिया है उन्होंने कि जो पूरे हिंदुस्तान में अलग पहचान, अलग नाम, अलग चीज़, और महाकाल नगरी तो अपने आप में ही सभी जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान क्या पूरी वर्ल्ड जानती है कि महाकाल नगरी है क्या। और इसमें एजेंट कास्टिंग डायरेक्टर मुझे काम करके इतना खुश हो रहा है और गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि मैं इस फिल्म का एक एजेंट कास्टिंग डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ, इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं हो सकता। और जैसे कि अखिलेंद्र सर हैं, साजी चौधरी हैं, अंकित राज हैं, काजल चौहान हैं, और प्रोड्यूसर साहब हमारे हैं मनीष सर हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सर ने एक अलग और बेहतरीन और एक अच्छा यूनिक और एक अपनी प्रतीक जो है एक स्टोरी की नरेशन दिया, हमने एक कहानी बताया, उस पर मुझे एक अच्छा वर्क करने का मुझे मौका मिला, और उस कैरेक्टर को ढूंढने के लिए मुझे मौका मिला है, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और थैंक यू सो मच सारे मीडिया वाले से, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आए और इस फिल्म को एक अच्छा नतीजे तक ले जाएं, और आप सबकी सपोर्ट की वजह से मैं भी आगे बढ़ूंगा और हम सब आगे बढ़ेंगे, और दुनिया को हम दिखाएंगे कि हम कुछ अलग हैं और कुछ अलग करने की चाहत है और कोशिश है, और हम इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।